Hello friends, how are you all? Welcome to Chemistry Art. Myself Bhai Kumar Patel, and our today's topic is molarity. So let's start. Molarity. What is molarity? It is most important measurement unit of the concentration in chemistry. Har jagah par yahi use hota hai mostly. Okay. So it can be defined as a number of moles. Of the solute, number of moles of the solute present per liter. Again, here we have to take liter or kya likh sakte dm cube of solution. Okay, matlab yahan par bhi hume liter hi lena hai. Okay. और उसका सिंबल इज कैपिटल एम. तो कैपिटल एम इट्स अ मोलारिटी. सो आई कैन राइट मोलारिटी कैपिटल एम इज इक्वल्स टू, क्या बोला मैंने, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन लीटर. एक लीटर में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है उसके मोल्स लिखने. सो आई कैन राइट लाइक दिस, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर बोला है तो वो डिवाइड में जाएगा. ओके तो नीचे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. बट कौन से यूनिट में लिखना है हमें, इन लीटर या तो फिर डीएम क्यूब. आया समझ में? ओके सो कंपलसरी यहां पर लीटर ही लेना है हमें या डीएम क्यूब. हाँ, अगर यहाँ पर लीटर की जगह पर ml लिखना है तो आपको कन्वर्ट करके ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो भी बताता हूँ मैं. ठीक है, तो अब यहाँ पर मोल्स दे दिया आपको. सो आई कैन राइट दिस सॉल्यूशन लाइक दिस. कैसे, कि भाई आपको पता है कि मोल्स का मतलब क्या होता है. मोल को किसे डिनोट करते हैं, n से. सो मोल्स इज इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पर, मास अपॉन मोलर मास. ओके, मास अपॉन मोलर मास होता है तो मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ मास अपॉन मोलर मास. मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. देखो मैं सॉल्यूट की बात कर रहा हूँ, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. तो ये अपना क्या हो गया, मोल्स. ठीक है, मोल्स की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, ये लिख दिया. ओके, और बाकी का एज इट इज जो पहले था क्या, इनटू डिवाइड में ही है, क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर या तो फिर डीएम क्यूब. ओके, सो ये मास ऑफ सॉल्यूट आ गया, मतलब आपको अगर मास दिया हुआ है डायरेक्टली पुट कर दो. मोलर मास जो भी कंपाउंड दिया है, वो शुगर है तो शुगर का मोलर मास फाइंड कर दो और लिख दो. हाँ, अगर डायरेक्ट मोल्स बता दिया आपको, फॉर एग्जांपल आपको बता दिया कि भाई नंबर ऑफ मोल्स, ओके, वन मोल ऑफ शुगर इज डिसॉल्व, फाइव मोल ऑफ शुगर इज डिसॉल्व, देन नॉट एन इश्यू, जस्ट डायरेक्टली पुट हियर अ वैल्यू. ओके, यहाँ पर सिर्फ वो वैल्यू रख दें कि भाई पांच मोल है या एक मोल है, दो, जितने भी मोल थे, लेकिन मास दिया होगा, जनरली मोस्टली मास दिया होगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है. ओके, नाउ यू कैन राइट दिस इक्वेशन लाइक दिस ऑल्सो, कि भाई मोलारिटी ओके इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मतलब यहीं पे नीचे, इनटू का मतलब यहाँ पे नीचे ही लेना हमें. ओके, क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml. लेकिन जब इन ml करते हो आप तो आपको ऊपर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 1000. क्यों, पता है आपको कि भाई लीटर को ml में कन्वर्ट करना है आपको. ठीक है, लीटर को किस में कन्वर्ट करना है, ml में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम, उसको डिवाइड करेंगे. डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर चला जाए. आया समझ में? ओके, सो यहाँ पर ये अपना फॉर्मूला हो गया. इसको शॉर्ट में अगर मुझे लिखना है तो शॉर्ट में मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैपिटल m इज इक्वल टू स्मॉल m इनटू यहाँ पर वापस कैपिटल m, बट ये जो है कैपिटल m ये क्या है, इट्स अ मोलर मास. ठीक है, किसी भी कंपाउंड का मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर. ओके, वॉल्यूम इन लीटर. चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं. अभी शुगर का हमने सॉल्यूशन लिया था, उसी का एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल 100 ग्राम शुगर
100 gram sugar dissolved in 500 gram of solution. Sentence अच्छे से पढ़ो. Dissolved मतलब already dissolved है, किसके अंदर? 500 gram solution के अंदर, मतलब यहाँ पर solution भी आपको दे रखा है, ठीक है. चलो हाँ सॉरी, यहाँ पर ग्राम की जगह पे क्या लेना पड़ेगा मुझे? लीटर. सॉल्यूशन की बात की ना, उसका मास नहीं लिखना है हमें, क्या लिखना है यहाँ पर? लीटर. ओके, सो 500 ml ले लेते हैं लीटर की जगह पर. लीटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर, ठीक है. 500 ml ऑफ सॉल्यूशन. सो लेट्स पुट द वैल्यूज. ओके, मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है. मास ऑफ सॉल्यूट मतलब किसका मास? शुगर का मास कितना है? 100 ग्राम, ठीक है. देन आफ्टर मास, मोलर मास, एम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मतलब शुगर का मोलर मास कितना होगा? C6H, नहीं, शुगर बोला है, ग्लूकोज नहीं बोला है. हाँ देखो, यहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए. शुगर का फॉर्मूला C12H22O11. शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11. तो फाइंड करना पड़ेगा उसको. 12 × कार्बन + 22 × हाइड्रोजन + 11 × ऑक्सीजन. ओके, सो कार्बन का कितना होता है? कार्बन का होता है 12 × 12 + 22 का 22, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है. एंड 11 × 16 कितना है? किसी को याद है? हमने ये कैलकुलेट कर लिया ऑलरेडी. किसी को याद है शुगर का मोलिकुलर मोलर मास? ग्लूकोज का और शुगर का मैंने बोला था, याद रखना. 342. ओके, तो 342 आएगा. सो नाउ लेट्स पुट द वैल्यू. ओके, तो वैल्यू अगर रखेंगे तो आंसर क्या आएगा देखते हैं. हमारे पास फॉर्मूला तो है ही. ओके, सो मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास कितना दे रखा है? 100 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास कितना है? 342 इंटू, देखो ml है, आप दो तरीके का कर सकते हो. ओके, ये जो ml है 500 ml इज इक्वल टू 0.5 लीटर भी लिख सकते हो, ठीक है, 0.5 लीटर. या तो फिर डायरेक्ट 500 लिखना है तो अभी कोई इश्यू नहीं, यहाँ पर 500 लिख दिया. बट ये किसमें है? ml में. तो मैंने क्या बोला? अगर ml लिखते हो तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना है, अगर ml नहीं लिखते हो तो नीचे 0.5 लीटर में कन्वर्ट करना है ना. अगर मुझे ml में नहीं लिखना है, और आई कैन राइट लाइक दिस, क्या आएगा? कैपिटल M इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 342 इंटू 0.5, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लिया हुआ है? ये लीटर में लिया हुआ है. इसमें लिया हुआ है लीटर में लिया. क्लियर? ओके, तो चलो क्या आएगा आंसर इसका? ये गया कैंसल, ये गया 5 2 सा. ओके, देन 342 17 1, यहाँ पे क्या आएगा आंसर? 2 1 2 1 4 7. ओके, एंड 2 1 2 1 71. हाँ, तो 100 by 171 कितना आंसर आ रहा है बोलो? 100 by 171 कितना आएगा बोलो. आया कितना? आया 0.584. मोलर ऐसे लिखते हैं उसको. क्या लिखते हैं? मोलर. उसके पीछे क्या लगाते हैं? मोलर, ठीक है, कैपिटल एम. आ गया समझ में कैसे फाइंड करते हैं मोलारिटी? ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन आपको दिया होगा, बनाना होगा, 12th में भी सॉल्यूशन बनाना होगा आपको. सो यू हैव टू प्रिपेयर इन अ मोलारिटी मेजरमेंट. ओके, और एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना, मोलारिटी इक्वेशन की बात करें तो मोलारिटी इक्वेशन, ठीक है, तो ये कहाँ पर यूज होता है? मान लो कि आपको क्या दिया हुआ है, यू आर गिवन अ सॉल्यूशन. ओके, एक सॉल्यूशन दिया हुआ है पर्टिकुलर मोलारिटी का, उसमें से दूसरा सॉल्यूशन बनाना है आपको दूसरी मोलारिटी का, ठीक है. तो वो सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको कितने मोल्स चाहिए? ओके, आपके पास इफ़ यू आर हैविंग अ सॉल्यूशन हैविंग एम वन मोलारिटी एंड वी वन वॉल्यूम. ओके, इफ़ वी हैव
if you have m1 molarity and v1 volume of a particular solution. ठीक है, एक solution है जिसकी molarity क्या है m1 और दूसरी उसका volume क्या है v1 है, और उसमें से हमें क्या बनाना है, we want to prepare solution which have दूसरी molarity, मतलब m2 molarity and v2 volume. ओके, उसका वॉल्यूम क्या है v2, ये v1 एंड v2 कुछ भी हो सकता है, x y z. फॉर एग्जांपल आपको बता दिया कि भाई वी आर हैविंग द सॉल्यूशन ऑफ वन मोलर कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम जो है उसका कितना है 100 ml वॉल्यूम है. ठीक है, और ये जो 100 ml वॉल्यूम है उस वॉल्यूम में से आपको 0.5 molar का बनाना है. ठीक है, prepare 0.5 molar सॉल्यूशन ऑफ कितना ml बनाना है, मान लो कि 100 ml ही बनाना है. ठीक है, मतलब अपना एम क्या हो गया, टू प्रिपेयर 0.5 molar सॉल्यूशन, कितना वॉल्यूम, वो भी 100 ml. ठीक है, इतना सॉल्यूशन बनाना है, किस में से बनाना है, फ्रॉम दिस किस में से बनाना है, हमें इसमें से बनाना है. ठीक है, तो ये गिवन है. ओके, ये दे रखा होगा, ये प्रैक्टिकल है, बहुत ही प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, थियोरिकल तो बाद में कभी भी आपको सॉल्यूशन बनाने को बोल दे दी भाई ये HCl का सॉल्यूशन है. ओके, सॉल्यूशन ऑफ HCl, मान लो कि HCl का सॉल्यूशन है, 1 molar है आपके पास कंसंट्रेशन उसका, 100 ml दे दिया, बोलो भाई 0.5 molar का बनाओ. सो व्हाट इज द फॉर्मूला यू कैन यूज, इज वी आर हैविंग द फॉर्मूला m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2. ठीक है, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2. ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर दिया हुआ क्या है, गिवन क्या है, तो भाई गिवन है आपको कितना बनाना है, 0.5 ml का बनाना है. ठीक है, कितना ml बनाना है, 100 ml बनाना है, मीन्स दिस इज अवर v2, दिस इज अवर m2, व्हाट वी आर गिवन सॉल्यूशन ऑफ HCl कितना है, वो हमारे पास ये m1 molarity हो गई, एंड वॉल्यूम दिया हुआ है, बट ये कितना यूज करना है आई डोंट नो, है ना, कितना वॉल्यूम यूज करना है मुझे नहीं पता है, मुझे तो ये भाई एक बीकर में HCl दे दिया, ये मेरा पास बीकर हो गया. ठीक है, और उसके अंदर मुझे क्या दे दिया है, ये सॉल्यूशन दे दिया है. ठीक है, और मुझे क्या करना है, ये सॉल्यूशन बनाना है, ये दूसरा सॉल्यूशन बनाना है, कौन सा सॉल्यूशन बनाना है, ये वाला सॉल्यूशन मुझे बनाना है. ठीक है, तो ये तो मैं चेंज नहीं कर सकता, क्या m1 आई कैन नॉट चेंज, ओके, क्योंकि वो तो दे रखा है. हाँ, बट वॉल्यूम मुझे कितना लेना है ये मुझे फाइंड करना पड़ेगा, उसको डाइल्यूट मुझे करना है, तो कितना वॉल्यूम लूँ और उसमें से कितना ml वाटर ऐड करूँ, क्योंकि मैं डाइल्यूट कर रहा हूँ. ओके, मैं डाइल्यूट कर रहा हूँ उसको, 1 molar में से 0.5 molar का मतलब क्या, मैं डाइल्यूट कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू फाइंड आउट v2 कि भाई मैं कितना ml इसमें से वॉल्यूम लू. ओके, हाउ मच v1 आई शुड टेक v1 फॉर कितना बनाना है मुझे, 0.5 ml एंड 100 molar, 0.5 molar सॉल्यूशन बनाना है और कितना बनाना है, 100 ml बनाना है, तो मुझे ये जो दिया हुआ है ना v1 वो कितना लेना चाहिए और उसके बाद उसको इसमें ऐड करना चाहिए, तो ये मुझे पता लगे कैसे. सो v1 इज इक्वल टू m2 इंटू v2 डिवाइड बाय m1. m2 कितना बनाना कितना है भाई, 0.5 ml, यस, इंटू v2 कितना है दिया आपको भाई, 100 ml बनाना है. ओके, और ये m1 कितना है, तो m1 है आपका 50 ml आएगा, तो आ गया आंसर 50 ml. अब क्या करना है भाई, 50 ml, इसका मतलब मुझे ये जो सॉल्यूशन दिया है ना, ये सॉल्यूशन उसमें से मुझे कितना लेना पड़ेगा, 50 ml सॉल्यूशन ऑफ HCl. ठीक है, लेकिन मुझे तो क्या करना है, 100 ml बनाना है,
तो मतलब मैंने 50 ml क्या कर लिया, ये वाला सॉल्यूशन ले लिया, और बाकी का 50 ml जो है, बाकी का 50 ml क्या कर दिया मैंने, वाटर, 50 ml वाटर। तो तब जाके अब ये जो सॉल्यूशन बनेगा, उसकी मोलारिटी कितनी होगी, 0.5 मोलर होगी। इस तरह से सॉल्यूशन बनाया जाता है। और वॉल्यूम तो हो गया ना 100 ml, है ना, ये 50, ठीक है, जो हमने ये सॉल्यूशन लिया था, और ये दूसरा 50, ये हमने क्या लिया, वाटर। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर, 100 ml हो गया। ओके, आया समझ में कैसे किया जाता है? ओके, सो लाइक दिस यू कैन फाइंड आउट द मोलारिटी। ओके, क्वेश्चन आते हैं, कॉम्पिटिटिव में भी आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो आने चाहिए आपको। ओके, आया समझ में वॉट इज मोलारिटी?